सब लोग पहली बार ही पढ़ रहे हैं, मैं खुद पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो जो पढ़ा हुआ वही ठीक है, जो पढ़ा दिया वही ठीक, गलत पढ़ाया तो ठीक, सही पढ़ाया तो ठीक। तो इसके लिए कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा, पढ़ाने के बाद अगर आप रेफरेंस के लिए चाहें तो नए सिलेबस के मॉड्यूल्स आ सकते हैं, दो मॉड्यूल हैं, एक वो रेफर कर सकते हैं, एक सी ए इंस्टीट्यूट ने बैकग्राउंड मटीरियल दिया है वो देख सकते हैं, वो ना देखें तो क्योंकि वो एकदम बाउंस हो जाएगा, बहुत कुछ है उसमें, क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए इन प्रैक्टिस जो है, ठीक है। उसके अलावा आहुजा सर की बुक रिलीज हो चुकी है, वो आप मार्केट से ले सकते हैं, सिंघानिया सर की बुक दिसंबर सेकेंड वीक तक आ जानी चाहिए मार्केट में, वो रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस बुक मैंने बता दिया आपको, बाकी जितना समझाने का काम है, जितना समझा पाऊंगा वो आप मेरे साथ झेल लें, बियर करें। कितना सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शुरुआत करने से पहले जो हमारा इंडिया में टैक्स का सिस्टम है वो समझना पड़ेगा, वो समझें, क्या 1 जुलाई से पहले रहा था वो समझें, और उसके बाद आज प्रेजेंट में क्या है वो जब समझ में आएगा, क्योंकि जीएसटी की लाइफ थोड़ी सी देखिए, 1947 में आजादी मिली, 50 में हमारा संविधान बना, 50 से लेकर 61 तक हमारा इनकम टैक्स एक्ट ही नहीं था, हम लोगों ने इंग्लिश इनकम टैक्स एक्ट अडॉप्ट किया हुआ था, ऑल्दो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 1944 में लगी थी, 1944 में तो अंग्रेजों वाली थी वही हम लोगों ने अडॉप्ट कर रखी थी। सर्विस टैक्स 1994 में आया सर, ठीक है। अब ये सारी चीजें इनकम टैक्स को छोड़कर जो इनडायरेक्ट टैक्स थे, 2017 में आकर हम लोगों ने सब कुछ हटा उठो के इनडायरेक्ट टैक्सेस, 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस हटाए स्टेट और सेंट्रल लेवल के मिलाकर, और उसके बाद हम जीएसटी लेके आए। तो जब तक उन 17 की कहानी नहीं समझेंगे, 17 में जो मेन मेन है हमारे, ठीक है ना, उनकी कहानी नहीं समझेंगे वो क्या था क्या नहीं था, जब तक आज की पोजीशन समझ में नहीं आएगी। प्लस जीएसटी का क्या बेनिफिट हुआ, मतलब 1950 की हमें आजादी मिली हुई, 2017 में हम आ गए, ठीक है ना, 2017 में आ गए, 67 साल बाद हमें जीएसटी की रिक्वायरमेंट क्यों दिखी, उससे पहले क्यों नहीं दिखी। ऑब्वियस सी बात है सर, ये मेरे कोर्स का पार्ट है क्या, सर कोर्स का पार्ट तो नहीं है, लेकिन जब तक आज अगर आज का जीएसटी समझना चाहते हैं प्रेजेंट सिचुएशन का, तो वो जीएसटी जब ही समझ में आएगा जब पहले की दिक्कतें सामने आएंगी। जीएसटी आने के बाद सबने कहा सर चीजें महंगी हो गई, वो सब आपको बेवकूफ बना रहे हैं, वो आपको कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, जब तक आपको बेसिक्स ही नहीं समझ में आएगा जीएसटी का, और जीएसटी किस ग्राउंड लेवल पे खड़ा हुआ है, क्या बेसिक है जीएसटी का, जब तक जीएसटी की बातें नहीं समझ में आएंगी। हर बंदा कह रहा है सर जीएसटी आने के बाद चीजें महंगी हो गई, क्यों महंगी हो गई सर, रेट बढ़ गया सर, पहले इन चीजों पे 15% रेट हुआ करता था, अब 28% हो गया, अच्छा इस वजह से चीजें महंगी हो गई। अब उनको कोई कहे भाई तुम्हें जो पहले क्रेडिट नहीं मिलता था वो क्रेडिट मिलने लगा, अब जो नए स्टूडेंट बैठे हैं मेरे साथ उनको क्रेडिट नहीं मिलता था अब मिलने लगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, और तो जो पुराने स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनको कुछ समझ में आ रहा होगा। अब ये क्रेडिट क्या होता है, पहले हम वो चीजें तो समझे कि पीछे के लॉज में क्या क्रेडिट, क्या क्या मैकेनिज्म था क्या नहीं था, तब आज की पोजिशन हम लोगों को जीएसटी की समझ में आएगी। तो प्लीज वो ध्यान से, ठीक है ना, और उसके बाद मेरे को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड भी समझना है कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या बना जीएसटी का, कैसे हम लोग जीएसटी इंप्लीमेंट करवा पाए, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा बर्दाश्त करके समझिएगा आज की और नेक्स्ट क्लास, दो क्लासेस तो मेरा बेसिक क्रिएट करने में चली जाएगी कि हाँ मैं बेस बना सकूं जीएसटी का ढंग से, ठीक है। प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो चीजें नोटिंग की लगती है वो नोट कीजिएगा, जो नहीं नोटिंग की लगती कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ रहे हैं सामने। सर इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम, टैक्स लॉज इन इंडिया, सर टैक्स लॉज दो तरह के, एक, हाँ जी बोले, इस साइड का नहीं आ रहा, इस साइड का नहीं आ रहा, टैक्स लॉज वहां से स्टार्ट, अच्छा ठीक है सर, लो टैक्स लॉज यहां से स्टार्ट कर देते हैं, डस्टर है ना, सर ध्यान दीजिएगा, टैक्स लॉज दो तरह के टैक्सेस है हमारे इंडिया में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सर डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, मैं हमेशा अपनी क्लास इवन जब डीटी हम लोगों का शुरू होता है तो भी मैं यहीं से शुरू करता हूँ। सर डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जिस बंदे के ऊपर लगाया जा रहा है वही पे कर रहा है, और इनडायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर लगाया जा रहा है वो नहीं पे कर रहा, उसका बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है।
सर अल्टीमेटली फिर दोबारा वही बात कहूंगा जो मैं अपनी पहली क्लास में कहता हूँ कि सर जो टैक्स है वो अल्टीमेटली सिटीजन ऑफ इंडिया की जेब से आना। टैक्स है क्या? सबसे पहली बात तो सर टैक्स एक एनफोर्सेबल मनी है जो आपसे कलेक्ट की जाती है, उसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको नहीं दिख रहा। ठीक है, अगर मैं कुछ अच्छे लोगों की बात करूं तो वो तो ये कहते हैं सर एक तरह से रैंसम मांगी जा रही है, तुम दो वरना तुम पे इंटरेस्ट लगा देंगे, पेनल्टी लगा देंगे, और वो भी नहीं दोगे तो तुम्हें जेल में पहुंचा देंगे। तो एक तरह से गवर्नमेंट आपसे जबरदस्ती का पैसा ले रही है, वो जबरदस्ती का पैसे का बेनिफिट आपको बाद में दिखेगा कि हाँ इंडिया डेवलप हो रहा है, और वो कितना डेवलप हो रहा है सर, आधा पैसा तो घोटालों में चला जाता है। तो ठीक है, तो अल्टीमेटली डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट ने इंडिया को डेवलप करना है तो पैसा चाहिए। पैसा चाहिए कैसे आएगा? सिटीजन ऑफ इंडिया से आएगा। तो एक बात आज से दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा कि चाहे डायरेक्ट टैक्स आए चाहे इनडायरेक्ट टैक्स आए, दोनों ही सिटीजन ऑफ इंडिया की पॉकेट से आना। फर्क क्या है सर? सर फर्क ये है, यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया खुद लायबल है उस टैक्स को पे करने के लिए, यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया खुद लायबल नहीं है पे करने के लिए, वो किसी और की पॉकेट के थ्रू पहुंचा रहा है वो टैक्स। जैसे सर मिस्टर ए, लेट्स से मिस्टर ए इज सिटीजन ऑफ इंडिया, मिस्टर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सर जो बंदा आउट ऑफ द पॉकेट ऑफ, आउट ऑफ पॉकेट ऑफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, जब ये दोनों बातें सेम बंदे पे अप्लाई होती हो, मिस्टर ए मेरा सिटीजन ऑफ इंडिया है तो मिस्टर ए की पॉकेट से टैक्स जा रहा है और मिस्टर ए ही रिस्पॉन्सिबल है उस टैक्स को पे करने के लिए, तो डायरेक्ट टैक्स। जब किसी पॉकेट आउट ऑफ द पॉकेट ऑफ, अगेन सर सिटीजन ऑफ इंडिया की पॉकेट से जा रहा है मिस्टर ए, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे दैट टैक्स इज विद मिस्टर बी, कुछ किसी और बंदे के थ्रू वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, तो वो है इनडायरेक्ट टैक्स। अगेन जाएगा जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया की ही जेब से। सर आज आप जीएसटी एप्लीकेबल हो चुका है तो आप लोग सारी चीजें देख भी रहे हैं। अगर जीएसटी की पहले की बात करें, सर्विस टैक्स की बात करें, तो सर आपके पेरेंट्स ने इनकम कमाई, उस पेरेंट्स, जब आपके पेरेंट्स ने इनकम कमाई तो उस इनकम पे टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी। ठीक है सर, 6 लाख रुपए की इनकम है, 7 लाख रुपए की इनकम है, तो 5 लाख रुपए से ऊपर 20% लगता है, उसके पहले जो भी 5% या 10% लगता है वो आप लोगों ने टैक्स निकाला और आपके पेरेंट्स ने वो टैक्स खुद पे करना। अब इनडायरेक्ट टैक्स में सर, इनडायरेक्ट टैक्स में आप पढ़ने आए और फीस है 10,000 रुपीज। मैं 1 जुलाई से पहले का सिनेरियो ले लेता हूँ, 1 जुलाई 2017 से पहले का सिनेरियो लेता हूँ, तो सर इसके ऊपर 15% का सर्विस टैक्स लगता था 1500 रुपए, तो मैं आपसे जो चार्ज करूंगा 11,500 रुपीज चार्ज करूंगा, 1500 आपसे कलेक्ट किए लेकिन मैं अपने पास नहीं रखूंगा, गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। तो गया अगेन आपके पेरेंट की जेब से, लेकिन योर पेरेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू डिपॉजिट दैट टैक्स विद द गवर्नमेंट अथॉरिटी, आई एम रिस्पॉन्सिबल। अब इस केस में अगर मैंने ये 1500 रुपए आपसे कलेक्ट नहीं किए या कम कलेक्ट किए तो गवर्नमेंट को पूरे पैसे देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अगर मैंने आपसे कलेक्ट नहीं किए 1500 रुपए या 1500 रुपए कलेक्ट नहीं किए, 1000 रुपए कलेक्ट किए, तो गवर्नमेंट मेरे को पकड़ेगी, गवर्नमेंट कहेगी तुमने कलेक्ट किए या नहीं किए हमें मतलब नहीं है, हमने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई थी, You will have to pay this tax. ये है indirect taxes. ठीक है, तो सर indirect taxes तो in any case, अब इसकी भी बात समझ लीजिए सर, ये progressive nature के होते हैं, ठीक है, ये regressive nature के। सर इनकम बढ़ती जाएगी, टैक्स बढ़ता जाएगा, बोले आया ना, 2.5 लाख का स्लैब है, 3 लाख का स्लैब है, 5 लाख का स्लैब है, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा, इनकम कम है तो टैक्स नहीं है। जैसे एक रिक्शा वाला है सर, महीने के 500, महीने के से 20,000 रुपए कमाता है, तो साल के कितने हो गए सर, कितने हो गए सर, 2,40,000 रुपए टैक्स देना उसे, इनकम टैक्स नहीं देना, बिलो स्लैब लगता है। लेकिन उसी रिक्शा वाले का मन किया कि सर मेरे को आज अपने बेटे को पिज्जा खिलाना उसका बर्थडे, तो पिज्जा हट में जाए या डोमिनोज में जाए और डोमिनोज वाले उससे पूछे सर आपकी इनकम क्या है, आपकी इनकम कम है तो हम आपसे जीएसटी नहीं चार्ज करेंगे या वैट चार्ज नहीं करेंगे, ऐसा होता है नहीं सर। तो सर चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो अमीर आदमी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, ये वाला टैक्स तो आपके ऊपर लगेगा ही लगेगा, इसलिए कहा रिग्रेसिव, ये प्रोग्रेसिव, जितना जितना ये इनकम बढ़ती जाएगी उतना उतना टैक्स आपसे ज्यादा लेते जाएंगे।
50 लाख या 1 करोड़ से ऊपर इनकम है तो आपसे सरचार्ज भी लिया जाता है नॉर्मल रेट के अलावा, स्लैब रेट के अलावा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इनकम आपकी कम है ज्यादा है, यू हैव टू पे द टैक्स। आप चाहे रिक्शा वाले हैं, चाहे सर आप मर्सिडीज में आ रहे हैं, आपने ये पे करना ही करना। समझ में आई बात या नहीं? चलो सर आगे थोड़ा सा, ओके नेक्स्ट। आगे ध्यान दे सर, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये दोनों ही टैक्सेस, समझिएगा थोड़ा सा, समझिएगा, ये दोनों ही टैक्सेस दो लेवल पे हैं हमारी कंट्री में, दो लेवल पे हैं, एक स्टेट लेवल पे है और एक सेंट्रल लेवल पे, एक सेंट्रल लेवल पे। कैसे? हमारी कंट्री में दो तरह की सरकार है, टू टायर सिस्टम है हमारे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट सर पूरी इंडिया का ध्यान रखती है और स्टेट गवर्नमेंट केवल और केवल अपनी स्टेट से लिमिटेड है, सिर्फ उसका ध्यान रखती है। इसी तरह टैक्सेस भी दोनों को लगाने की पावर है, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगाती है वो पूरी इंडिया के ऊपर लगाएगी, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स लेवी किया वो किसके ऊपर लगेगा? इंडिया के ऊपर, पूरी इंडिया के ऊपर। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्सेस लेवी किए वो किसके ऊपर लगेंगे? केवल जो स्टेट में लोग रहते हैं उनके ऊपर लगेंगे, ठीक है। तो अगेन जब मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा, जब मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही स्टेट लेवल पे भी है और सेंट्रल लेवल पे भी है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, इस बार मैं यहां पे इनडायरेक्ट लिख रहा हूं और यहां पे डायरेक्ट। सर सेंट्रल लेवल का कोई डायरेक्ट टैक्स सर पढ़ के आए हैं? इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है। और कोई टैक्स? सर एबॉलिश हो गया वेल्थ टैक्स, ठीक है, वेल्थ टैक्स। अच्छा, और उसके बाद सर 1 जुलाई से पहले चले जाते हैं, 1 जुलाई से पहले वाले कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स बता दो। इनडायरेक्ट टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट जो आपने बोला वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट टैक्स, समझे? ठीक है ना, सीएससी। अच्छा सीएससी पक्का? हाँ या ना, सर कोई बात नहीं, देख लेते हैं। सर इनडायरेक्ट टैक्सेस में मैं लिखता हूँ, सर सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कस्टम, कस्टम ड्यूटी किसके ऊपर लगती है सर? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के ऊपर। अच्छा उसके बाद सर एक एक्साइज ड्यूटी लिख लेते हैं सर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगती है सर, किसके ऊपर लगती है? मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। उसके बाद एक लिखते हैं सर सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स ये किसके ऊपर लगता है सर, कोई आइडिया? सर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और वो ट्रेडिंग जो कर रहे हैं इंटर स्टेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं सर? इंटर स्टेट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो टैक्स लगेगा, ठीक है। उसके बाद एक और लिखते हैं सर टैक्स, क्या? सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स। सर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज है तो आपके ऊपर जो टैक्स लगता है वो है सर्विस टैक्स। डन सर। अब एक बार स्टेट लेवल की बातें कर लेते हैं सर, स्टेट लेवल पर इनडायरेक्ट टैक्स कोई बताए? प्रोफेशनल टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। सर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स सर, विद इन द स्टेट की ट्रेडिंग पे लगता है। अब देखिएगा ट्रेडिंग के तीन टैक्सेस दिख रहे हैं आपको, इंटर कंट्री ट्रेडिंग होगी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी, इंटर स्टेट ट्रेडिंग होगी सीएससी, और विद इन द स्टेट ट्रेडिंग होगी तो वैल्यू एडेड टैक्स। ये कौन लेता है? स्टेट गवर्नमेंट। ये कौन लेता है? सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऑल्दो एबॉलिश हो चुकी चीजें लेकिन समझना बहुत जरूरी है। सर ये लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट है लेकिन लेती वो गवर्नमेंट है जिस स्टेट से गुड्स मूव होते हैं। मतलब क्या, मैं हरियाणा में बैठा हूं और मैंने दिल्ली में माल भेजा तो इंटरस्टेट ट्रेडिंग हो गई, तो सीएसटी लगेगा, लेकिन सीएसटी लगेगा, लगाने की अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है लेकिन लेती वो सरकार है जिस स्टेट से गुड्स मूव हुए, मतलब लेगी कौन? हरियाणा सरकार। मतलब जो फंड जाएगा किसके पास जाएगा? हरियाणा सरकार के पास, हरियाणा गवर्नमेंट के पास जाएगा। प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर ये बेसिक्स हमें नहीं समझ में आएगा तो जीएसटी तो उखड़ ही जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जीएसटी पैदा किससे हुआ है? इन मुसीबतों की वजह से ही तो जीएसटी पैदा हुआ है,
तो इन यहाँ पे कहीं पे भी वहां पे कोई बात होगी तो उसका बेस आपको समझना होगा, तो मैं कहूंगा वहां पे वो मुसीबत थी तो ये बात आई, तो वहां की वो मुसीबत ही नहीं पता होगी तो वो बात जीएसटी में कहां से समझ में आएगी। क्लियर है सर? वैल्यू एडेड टैक्स। तो ट्रेडिंग के तीन टैक्स, विद इन द स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, इंटर स्टेट सीएसटी, और अगर इंटर कंट्री हो गया तो कस्टम। ठीक है, और कोई बताए सर यहाँ का टैक्स? टोल टैक्स। सर टोल टैक्स टैक्स ही नहीं है, इट इज अ टोल चार्जेस, टोल चार्जेस, म्युनिसिपल टैक्सेस। सर और बताएं, म्युनिसिपल टैक्सेस, चलो मैं लिख देता हूं। और कोई सर एक और अच्छा सा टैक्स सुनेगा, एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है ना, अगर आप 1 जुलाई से पहले जब मूवीज देखने जाते थे तो लगता था ये एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है, लग्जरी टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री और परचेज टैक्स, ये कैसे टैक्सेस है सर? सर एंटरटेनमेंट टैक्स, जिस स्टेट में मूवी थिएटर है तो अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, एम्यूजमेंट पार्क वगैरह, फन एंड फूड विलेज वहां पे गए तो एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। लग्जरी टैक्स, ठीक है ना, लग्जरी टैक्स सर होटल में आप स्टे करेंगे तो जो टैक्स लगेगा वो है लग्जरी टैक्स। अगेन स्टेट गवर्नमेंट की लेवी है, स्टेट गवर्नमेंट का लगाया हुआ है। हरियाणा में होटल है जिसमें आप स्टे कर रहे हैं तो हरियाणा गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कितना लग्जरी टैक्स लगना है। यूपी में होटल है तो यूपी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। एंट्री और परचेज टैक्स, अगेन अ कमर्शियल टैक्स। हमारी स्टेट में अगर आप कमर्शियल गुड्स लेके घुसेंगे तो हम आपसे एक टैक्स वसूल करेंगे जिसका नाम है एंट्री टैक्स या परचेज टैक्स। दोनों अलग अलग टैक्सेस है, मैं आपको समझाने के लिए दोनों को इकट्ठे लिख दिया। ठीक है, अगेन सर ये टैक्स हमें तो नहीं पता। सर हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि हमारी स्टेट में और हमारी आसपास की स्टेट में ये टैक्स नहीं लगता, इस वजह से नहीं पता। ये टैक्स हाँ आप लोगों ने देखा है, अगर देखा हो तो, वरना मूवी की टिकट ली, ले भाई चल उसके दिखाई फिर चल और उसके बाद बाहर निकाल के बाहर रहेंगे, अगर इतना ही काम किया तो ऑब्वियसली बात है आपको नहीं पता होगा, वरना अगर आपने मूवी टिकट देखी है तो उसके ऊपर ये लगता है। हाँ ये वाला टैक्स आपने फिर नहीं देखा होगा, क्यों? पिताजी ने पैसा पे किया होटल में गए थे, आपने थोड़ी ना पे किया, ना आपने बिल देखने की जरूरत समझी, तो इस वजह से इस टैक्स का भी आपको नहीं पता। तो ये आपके इनडायरेक्ट टैक्स है। हाँ? दिल्ली ना लो तुम लगते। वो आपकी तो बात है। ठीक है ना, तो सर ये आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा, ये आपके इनडायरेक्ट टैक्स, और भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो, ये भी अबॉलिश हो गए हैं जीएसटी के बाद, लग्जरी। हाँ सर ये अबॉलिश हो गए। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स कोई बता सकते हैं? ऑल्दो वो मेरा मुद्दा नहीं है लेकिन फिर भी डायरेक्ट टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है सर, प्रोफेशनल टैक्स। सर अगेन हमें तो नहीं पता ये टैक्स होता है, इसलिए नहीं पता दोस्त क्योंकि हमारी स्टेट में नहीं लगता, हमारी स्टेट में नहीं लगता, वरना महाराष्ट्र, तमिलनाडु और हाँ एक दो स्टेट और है उधर की साइड। तो अगर आप उन स्टेट में, नाम तो है प्रोफेशनल टैक्स, नाम तो क्या है प्रोफेशनल टैक्स, जैसे प्रोफेशनल से कलेक्ट किया जाता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उन स्टेट में अगर आप जॉब कर रहे हैं और पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा है अगर आपकी इनकम, तो आपको एक टैक्स देना पड़ता है जो कि है प्रोफेशनल टैक्स। एक आपने आप बोला था प्रॉपर्टी टैक्स, अगेन इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो सर ये टैक्सेस है जो डायरेक्ट है, समझ में आई सर बात? अब जीएसटी की बात करते हैं सर, जीएसटी की बात करते हैं, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये डिस्कशन में जाना है मेरे को इसीलिए की है डिस्कशन, लेकिन इसको यहां पे छोड़कर फिर दोबारा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब गुड्स बेचने पर टैक्स लगता होगा प्लस सर्विसेज प्रोवाइड करने पर टैक्स लगता होगा। बोले आया ना? अब इधर देखिएगा, सर्विस सिर्फ यहां पे लिखा हुआ है, क्या यहां पे कहीं पे सर्विस लिखा हुआ है? बोले तो इसका क्या मतलब है कि सर्विस टैक्स केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी। सर्विसेज अगर प्रोवाइड होंगी तो उसके ऊपर टैक्स कौन लगाता था? केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अगर गुड्स की बात करूं तो गुड्स के ऊपर एक नहीं चार तरह के टैक्स हैं। गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे तो एक्साइज ड्यूटी, बोले आया ना? गुड्स मैन्युफैक्चर होने के बाद, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, समझिएगा, गुड्स मैन्युफैक्चर होने के बाद जिस स्टेट में मैन्युफैक्चर हुए उसी स्टेट में बिक गए तो स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाती होगी। गुड्स मैन्युफैक्चर हुए एक्साइज ड्यूटी तो लगी गई, अगर इंटरस्टेट बिकेंगे तो सीएसटी में लगेगा। और गुड्स मैन्युफैक्चर हुए एक्साइज ड्यूटी लग गई और उसके बाद उनको एक्सपोर्ट किया
समझ में आई बात या नहीं? और कुछ चीजें तो ऐसी हैं सर, गवर्नमेंट ने हमें किस हद तक खराब कर रखा था कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिनके ऊपर सर्विस टैक्स भी लगता था और वैट भी लगता था। मतलब क्या वो सर्विस है या गुड्स है सर? उनको दोनों संज्ञाओं में दिया हुआ था, होटल रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाएंगे तो खाना खाया आपने, ऑब्वियसली बात है कोई आर्टिकल कंज्यूम किया, ठीक है ना, जो कि उसने बना के दिया और आपको बैठ के खिलाया। तो सर क्लियरली लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 366, वहां पे डेफिनेशन दे रखी है, उसके क्लॉज 29A में लिखा हुआ था कि अगर रेस्टोरेंट में जाके आपने खाना खाया, दैट इज कंसिडर्ड एज अ सेल, इट इज डीम्ड सेल। क्या लिखा हुआ है? डीम्ड सेल लिखा हुआ था, डीम्ड सेल। सर्विस एक्ट वालों ने सर्विस एक्ट बनाया 1994 में, उन्होंने कह दिया सर अगर आपने रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया तो उसके 40% अमाउंट को, जो टोटल बिल आया उसके 40% अमाउंट को सर्विस माना जाएगा और उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगाएंगे। मतलब क्या कि अगर आपने 1000 रुपए का खाना खाया उसका 40% कितना हो गया? 400 के ऊपर 15% का सर्विस टैक्स। अब सुने देखें प्लीज, अगर आपने 1000 रुपए का खाना खाया तो इसके ऊपर सर्विस टैक्स कितना लगेगा? पहली बात तो 1000 रुपए का 40%, 400 आया और उसका भी 15%, ठीक है ना, 400 और 400 पे 15%, 15 जो 60 रुपए। तो पहली बात तो ये किसने लगाया? सर्विस टैक्स किसने लगाया? किसने लगाया? सेंट्रल ने या स्टेट ने? सेंट्रल। चल लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट इज कंसिडर्ड एज अ डीम्ड टू बी सेल, इट इज डीम्ड सेल। जब डीम्ड सेल है तो अगर इंटर स्टेट होगा तो सीएसटी आएगा और विद इन द स्टेट होगा तो वैट आएगा। बोले हाँ है ना? और रेस्टोरेंट में तो आप खाना खा रहे होते हैं तो विद इन द स्टेट। अब विद इन द स्टेट है तो इसके ऊपर वैट आएगा। वैट कितना आएगा सर? वैट है 13% का वैट और उसके ऊपर 10% का सेस, वो इफेक्टिवली पड़ता है 13.13% लगा ले। अच्छा 13.13% निकाले। अच्छा एक बात बताएं, 13.13% किसका निकालेंगे? हजार का। बोलो हजार का। आया ना? निकालो हजार का। तुम हजार का निकाल लेना, लेकिन वो पता है किस पे निकालते थे? 1060। इट इज अ कास्केडिंग इफेक्ट, टैक्स के ऊपर टैक्स। मतलब हमें हर तरीके से लूट रहे थे और लूट तो आज भी रहे हैं, बस अब थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं, ठीक है ना। अब ये देखो सर, 1060 पे 13.13% निकाला, 139.9 something आ रहा है, तो मैं इसे 140 कर दूं राउंड में, तो कितना हो गया सर? 1200। इसका क्या मतलब हुआ दोस्त? इसका क्या मतलब हुआ सर? दिख रहा है 6% ये और दिख रहा है 13.13% ये, 19%, लेकिन आ कितना रहा है? आ कितना रहा है? 20%। और उसमें सेंट्रल अपना हिस्सा मारती है, स्टेट अपना हिस्सा मारती है। क्लियर है बात या नहीं? Yes, sir. समझ में आई बात या नहीं? तो सर अब सर्विसेज पे एक चीज, और सर्विसेज पे केवल कौन टैक्स ले रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। गुड्स पे कौन टैक्स ले रहा है? सबसे पहले तो सेंट्रल, कैसे? मैन्युफैक्चरिंग होते के साथ ही एक्साइज, और विद इन द स्टेट भी का तो वैट, इंटर स्टेट भी का CST, इंटर कंट्री। यार इतने सारे भारी भरकम टैक्सेस से हम परेशान हो गए और कास्केडिंग इफेक्ट भी दिखा दिया तुम लोगों, तो हम लोगों ने क्या किया कि सर इन सारे टैक्सेस को मिलाकर, इन सारे टैक्सेस को मिलाकर, ये दिखने में तो 4 और 3 7 ही दिख रहे हैं, टोटल 17 टैक्सेस, ठीक है, यहाँ पे पहले पेज पे आपके आ भी रहे होंगे, करीबन 17 टैक्सेस है, बाद में देख लीजिएगा, प्लीज बोल दे रहे, ठीक है। इन सारे टैक्सेस को मिला के हम लोगों ने कहा कि हम एक टैक्स लगाएंगे जिसका नाम होगा जीएसटी। क्या नाम होगा सर? जीएसटी। अब अगेन जीएसटी लगा तो दे, जीएसटी लगा तो दे, लेकिन एक जीएसटी टैक्स लगाएं। जीएसटी के दो पार्ट चाहिए, क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हिस्सा चाहिए,
भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए पैसा, क्यों पूरी इंडिया चलानी है, और स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए क्योंकि स्टेट चलानी है। ऐसा तो है नहीं कि हमारा राजा कौन, हमारे यहाँ कोई एक राजा तो है नहीं, स्टेट के राजा अलग है और इंडिया का राजा अलग है। समझ में आ रही बात या नहीं? तो दोनों हमारे यहाँ सिंगल जीएसटी अप्लाई नहीं हो सकता था, तो हमारे यहाँ कौन सा जीएसटी आया? ड्यूअल। कौन सा आया? ड्यूअल, मतलब जीएसटी को दो में बाइफर्केट किया गया। कैसे? सेंट्रल और स्टेट। और उसमें भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसमें भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1956 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ जिसमें कहा गया कि अगर इंटर स्टेट गुड्स बेचे जाएंगे, क्या की बेचे जाएंगे, इंटर स्टेट कोई भी काम होगा तो उसके ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को है, स्टेट गवर्नमेंट को हो ही नहीं सकता। कब हो चुका था ये बात? 1956 में। हाँ या ना? yes. समझ में आ रही है बात या नहीं? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुड्स और सर्विसेज पे कॉम्प्रिहेंसिवली टैक्स लगाया गया। गुड्स भी मर्ज कर दिए क्योंकि ये देखो, ये सर्विसेज, ये सर्विसेज, ये सर्विसेज, ठीक है ना, ये भी सर्विसेज, ये गुड्स, ये सर्विस, ये गुड्स, ये गुड्स, कॉम्प्रिहेंसिवली टैक्स लगाया, गुड्स और सर्विस टैक्स आ गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ गया, ठीक है। अब ध्यान से, जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया गया तो कहा गया, सर बहुत ध्यान से देखें, दो, अगर विद इन द स्टेट गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होगी, क्या होगी? सप्लाई। देखो अभी तक तो क्या था, गुड्स मैन्युफैक्चर हुए तो एक्साइज, गुड्स ट्रेड हुए तो सीएसटी इंटरस्टेट, गुड्स ट्रेड हुए विद इन द स्टेट वैट, सर्विसेज प्रोवाइड की गई। अब ना मतलब एक बात ये समझने की कोशिश करो, मैं ना तुम्हें टैक्सेबल इवेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैन्युफैक्चरिंग होएगी तो एक्साइज, बिकेंगे मतलब ट्रेडिंग होएगी तो सीएससी या फिर वैट या फिर कस्टम, है ना। सर्विसेज, सर्विसेज तो क्या, सर्विसेज कोई टेंजिबल चीज तो है नहीं, ले भाई दे दिया, सर्विसेज तो प्रोवाइड की जाती है, तो उसके लिए वर्ड क्या था? प्रोविजन ऑफ सर्विस, ठीक है ना। अब सारी चीजों को बदल दिया, वर्ड एक नया यूज किया है, सप्लाई। क्या वर्ड यूज किया? सप्लाई, ठीक है। तो अब गुड्स या सर्विसेज विद इन द स्टेट अगर सप्लाई होंगी तो दो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी के बीच में मैंने डॉट नहीं डाला, इसके बीच में डॉट डाला है जानबूझ के, क्योंकि सेंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्टेट का अपना नाम है, तो इसका मतलब अगर आप हरियाणा में बैठे हैं तो आप सीजीएसटी पे कर रहे हैं, प्लस प्लस क्या पे कर रहे हैं? हरियाणा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या पे कर रहे हैं? स्टेट गुड्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ में आई? तो सर दोनों की हिस्सेदारी, दोनों की हिस्सेदारी मतलब अब चाहे गुड्स, अब एक बात देखो, सर्विसेज पे जहां पे केवल और केवल सेंट्रल का हक था, अब वो उसने शेयर किया है किसके साथ? स्टेट के साथ। मतलब अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड होंगी तो पहले सिर्फ और सिर्फ सर्विस टैक्स लगता था और वो सारा किसको जाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सर्विसेज प्रोवाइड होंगी तो उसमें स्टेट का हिस्सा भी होगा। समझ में आई बात या नहीं? बोले हाँ या ना? ठीक है। अगेन सर ध्यान से सुने, 1956 में मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सर अगर इंटर स्टेट सप्लाई होती है, मतलब इंटर स्टेट ट्रेड होता है, तो उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा ही नहीं सकती, उसके ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार किसको है? केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को है। ये बात समझ में आती है? तो सर अगर इंटर स्टेट ट्रेडिंग होगी, कैसे होगी? इंटर स्टेट ट्रेडिंग ही बोलना चाहिए मेरे को, इंटर स्टेट सप्लाई होगी किसकी? गुड्स की या सर्विस की। उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको कहा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। क्या था? इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब दो चीजों को जोड़ के जो बना है, सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल और स्टेट। ध्यान से सुने इस बात को सर, अगर विद इन द स्टेट कोई गुड्स बिकते हैं और उनके ऊपर 9% सीजीएसटी है और 9% एसजीएसटी है, तो वही गुड्स अगर इंटर स्टेट में बिकेंगे तो उनके ऊपर 18% का आईजीएसटी होगा।
मीटर मींस सम टोटल ऑफ सीजीएसटी प्लस एससीएसटी। ठीक है सर, हमेशा ऐसा होगा सर, 99.9999% ये ऐसा ही होगा, क्योंकि जिस दिन ये चीज वैरी करने लग जाएगी उस दिन जीएसटी का कोई यूज नहीं रहेगा, जीएसटी का सारा मोटिव खत्म हो जाएगा। तो विद इन द स्टेट में अगर गुड्स बिक रहे हैं या सर्विसेज दी जा रही हैं, तो 9% सीजीएसटी है और 9% एसजीएसटी है, तो इंटर स्टेट में 18% ही होगा, ना तो इंटर स्टेट में 20% होगा, ना ही इंटर स्टेट में 15% होगा। अगर वो होने लगा तो एसजी वो जीएसटी बनाने का मोटिव ही हमारा सारा का सारा डिफीट हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई या नहीं है? सर विद इन द स्टेट तो वैट लगता था पहले जी, तो सर वो तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना पड़ रहा है और स्टेट गवर्नमेंट को भी। हाँ जी मैम, तो मतलब ज्यादा हो गया ना? किसका ज्यादा हो गया? हाँ आपके ऊपर टैक्स ज्यादा लगने लगा, पहले कम लगता था। तो एक बात बताए ना, कहीं फायदा है तो कहीं नुकसान भी है। अभी हम लोगों ने उसका पूरा मैकेनिज्म नहीं समझा, जो चीजों का बेनिफिट क्रेडिट एक मैन्युफैक्चरर या एक ट्रेडर पहले नहीं ले पाता था, अब उसको उस चीज का क्रेडिट मिलने लगा है और उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी तो गुड्स का प्राइस और कम होना चाहिए। और वैसे पहले भी तो मिलता था? नहीं मैम, पहले कहाँ मिलता था? वैट का क्रेडिट मिलता था, एक्साइज का क्रेडिट मिल जाता था? बताए अब क्या कर दिया, अब जीएसटी बना दिया, सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्रेडिट मिलने लगेगा। अभी बता देते हैं क्रेडिट की बात भी, बट सर पब्लिक को बेनिफिट तो हो नहीं रहा, बेसिक बढ़ा दी। पब्लिक को बेनिफिट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लोग पागल बना रहे, हम बन रहे। बेसिक बढ़ा दी लोगों सर, बेसिक नहीं बढ़ा दी सर, उन्होंने गुड्स का प्राइस बढ़ा दिया अपना। अल्टीमेटली आपसे एक बात बताए ना, हमारे जीएसटी में एक क्लॉज है एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज, सुने बहुत ध्यान से सुने, बहुत आगे की बात बता रहा हूँ, हमारे लेवल की भी नहीं है और गवर्नमेंट ने भी पूरी तरीके से अप्लाई नहीं किया। एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज जीएसटी में क्या कहता है कि जीएसटी इंप्लीमेंट करने के बाद जो क्रेडिट का प्रॉफिट होगा, मतलब क्रेडिट का बेनिफिट जो आप पहले नहीं उठा पा रहे थे, जीएसटी आने के बाद आप उठा पाएंगे जिस क्रेडिट का बेनिफिट, वो क्रेडिट का बेनिफिट आप अपने पास नहीं रखेंगे, यू विल हैव टू पास दैट क्रेडिट बेनिफिट टू योर कस्टमर। आपको चीजें सस्ती करनी है, आपको चीजें तो यार चीजें इंप्लीमेंट की है, गवर्नमेंट भी पूरा ध्यान नहीं दे पा रही है चीजों पे, वरना गवर्नमेंट एक एक इंडस्ट्री वाले को बुलाए, पूरी की पूरी इंडस्ट्री को, टेलीकॉम इंडस्ट्री को बुला लिया, मैन्युफैक्चरर्स को बुला लिया और उनसे कहे भैया तुम्हारी इंडस्ट्री में क्रेडिट का क्या बेनिफिट हुआ और उसकी वजह से तुमने चीजें कितनी सस्ती की वो बताओ। जो अभी रेस्टोरेंट्स हैं इन्होंने इनके ऊपर 5% हो गया, मतलब सर एक्चुअली पता है क्या, हम लोगों ने पूरी बात तो पढ़ी नहीं हुई, तो हम लोग हमारे पास नॉलेज क्या, आधी आधी तो बहुत ज्यादा हो जाती है मेरे भाई, आधी तो बहुत ज्यादा हो जाती है, हमें 1% भी नहीं है और उसी में हम बात कर रहे हैं। हाँ जब उन लोगों ने कहा कि रेस्टोरेंट पे जीएसटी हम लोगों ने कितना कर दिया, 5%, उसके साथ साथ उन्होंने एक बात और कही, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम खत्म कर देंगे। अच्छा, खत्म कर दिया, ठीक है ना, तो या तो आप 18% लगाओ या 5% लगाओगे तो आईटीसी नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो क्यों हम बातें कर रहे हैं, अभी तो पढ़े समझे। हाँ जी सर, इतनी बातें क्लियर है, कुछ पूछना हो सर? डन, कुछ आगे चलो। ठीक है सर, अब विद इन द स्टेट की ट्रेडिंग पर सीजीएसटी लगता है और एसजीएसटी लगता है, इंटर स्टेट ट्रेडिंग के ऊपर आईजीएसटी लगता है। सर क्या आप लोगों को पता है कि जीएसटी लाने के लिए हम लोगों ने अपने भारत के संविधान का संशोधन किया, मतलब उसको अमेंड किया, क्यों किया, कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं रहेगी, चलो कोई बात नहीं, हम उस बात को भी समझेंगे, पहले इतनी बात को समझ ले सर, गुड्स के ऊपर भी और सर्विसेज के ऊपर भी, जो कि पहले सर्विसेज के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, अब उसके साथ स्टेट भी उनके हिस्सेदारी में आ गए। डन, नेक्स्ट, बहुत ध्यान से समझिएगा, डेस्टिनेशन बेस कंजम्पशन टैक्स, सर जीएसटी डेस्टिनेशन बेस कंजम्पशन टैक्स, हमारी इंडिया में 1 जुलाई से पहले जो टैक्सेस है वो सारे के सारे टैक्सेस ओरिजिन बेस्ड टैक्स थे, और अब ये जो टैक्स आया है जीएसटी जो आया है, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। एक बात बताएं,
बहुत ध्यान से एकदम बच्चा बुद्धि से, क्योंकि मेरे को कुछ खुद ज्यादा नहीं पढ़ा लिखा है इंसान, तो मेरे को बहुत कम लेवल पे जाके से चीजें समझ में आती हैं और उसी लेवल के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं गुड़गांव में बैठा हूँ, मैम भी गुड़गांव में बैठी हुई, तो मैं अगर इनको कुछ गुड्स बेचता हूँ, शी इज अ अल्टीमेट कंज्यूमर, तो अल्टीमेट कंज्यूमर से टैक्स गवर्नमेंट को पहुंचता है ना। तो अब बहुत ध्यान से इस बात को समझे, तो मैंने एक प्रोडक्ट इनको बेचा, ये गुड़गांव में है, ये गुड़गांव में कंज्यूम करेंगे उस प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगा इनको, उस टैक्स, वो टैक्स किसके पास जाना चाहिए? हरियाणा गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। बोलिए हाँ या ना, पक्का? अब दूसरे तरीके से समझ जाएगा, मैं हरियाणा में बैठा हूं, लेकिन मैंने हरियाणा में बैठे, भाई सुन रहा है ना, मैं हरियाणा में बैठा हूं, मैंने जो गुड्स बेचे, मैम को बेचे दिल्ली में या फिर यूपी में, तो जब यूपी में बेचे तो मैडम ने कहां पे कंज्यूम किया? यूपी में। कौन सी स्टेट को बेनिफिट मिलना चाहिए, हरियाणा को या यूपी को? फिर दोबारा क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने गुड्स, मैं हरियाणा में बैठा हूं और मैम यूपी में बैठी, मैंने इनको गुड्स बेचे, ठीक है, बनाए और गुड्स इन्हें बेचे, तो टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को पहुंचना चाहिए, यूपी गवर्नमेंट को या हरियाणा गवर्नमेंट? हरियाणा को पहुंचना चाहिए। क्यों? एक बात बताएं, सुनिएगा प्लीज, एक मिनट सुन तो लीजिए मेरी बात, सुनिए। मैंने जब आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की बात की, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही अल्टीमेट कंज्यूमर से आते हैं। अल्टीमेटली किससे आते हैं? सिटीजन ऑफ इंडिया से आते हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। लेकिन एक बात समझिए ना, जो जब मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, तो जिस स्टेट में मेरा सिटीजन ऑफ इंडिया बैठा हुआ है, उस स्टेट को बेनिफिट पहुंचना चाहिए। किसको पहुंचना चाहिए? उस स्टेट को बेनिफिट पहुंचना चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, प्री जीएसटी, जीएसटी आने से पहले क्या था? जीएसटी आने से पहले मैं गुड़गांव में बैठा हूं और मैं यूपी में माल बेच रहा हूं, तो क्या लगता था? सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स, जरा ध्यान से सुनिएगा, लगाएगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। कलेक्ट कौन सी गवर्नमेंट करेगी? जिस स्टेट से माल जा रहा है। तो मैं हरियाणा में बैठा हूँ, यूपी में माल बेच रहा हूँ, तो हरियाणा गवर्नमेंट सीएसटी कलेक्ट कर लेती, काम खत्म। जबकि गुड्स किसने कंज्यूम किए? यूपी वाले बंदे ने। जीएसटी का सबसे मेन मोटिव ये रहा कि सर, जिस स्टेट में गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं, उस स्टेट को बेनिफिट जाना चाहिए। जब मैं स्टेट लेवल की बात करता हूँ, सेंट्रल की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सेंट्रल तो एक ही है, जो भी गुड्स बिकेंगे तो उसमें सेंट्रल का हिस्सा वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा क्या है कि जब मैं विद इन द स्टेट गुड्स बेच रहा हूं या इंटर स्टेट गुड्स बेच रहा हूं, तो उस स्टेट के पास बेनिफिट जाना चाहिए जिस स्टेट में गुड्स कंज्यूम हुए। समझ में आई बात? क्या नहीं, हरियाणा की जगह यूपी को बेनिफिट जाना चाहिए, जो कि प्री जीएसटी कभी नहीं जा रहा था, लेकिन अब जीएसटी आने के बाद जाने लगेगा। समझ में आई बात? जीएसटी आने के बाद जाने लगेगा। कैसे जाने लगेगा वो भी अभी थोड़ी देर में समझाता हूं। पहले मेरे को ये वर्ड क्लियर करना है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, जहां पे डेस्टिनेशन है गुड्स का, जहां पे डेस्टिनेशन है सर्विसेज की, उस स्टेट को बेनिफिट मिलेगा, ना कि जिस स्टेट से वो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं वहां से। ये बात समझ में आई सर? बोले हाँ या ना, ठीक है। मैं थोड़ी सी क्रेडिट की बातें आपके साथ करना चाहता हूँ, क्या ये रब कर दूं जो लिखा हुआ है? रब कर दूं? यस सर। पक्का? डन, थैंक यू। सर अभी इतनी बात समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से, हम पढ़ कुछ नहीं रहे, हम सर जीएसटी का ओवरव्यू ले रहे, जीएसटी में है क्या क्या। सर बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्रेडिट मैकेनिज्म इन जीएसटी, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके ऊपर दो तीन इलस्ट्रेशन भी करेंगे, आप लोगों को समझ में भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर आप आईजीएसटी पे करके आए हैं, इसका क्या मतलब सर? मींस क्या? ये रहा सर इसका मतलब, हरियाणा यूपी, तो हरियाणा में एक रजिस्टर्ड डीलर बैठा है,
जिसने 10,000 रुपए के गुड्स बेचे हैं यूपी में, तब जब यूपी में बेचे हैं तो आईजीएसटी लगा के बेचा होगा। बोले सर आईजीएसटी एक ही रेट होता है या दो रेट होते हैं? सिंगल। हम अपने एग्जांपल के लिए रख लेते हैं 1800 रुपए तो 11,800 के गुड्स बेचे, तो इस यूपी वाले डीलर के पास कितने के गुड्स आए? 11,800 में। बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, इसमें आईजीएसटी है 1800 रुपए और गुड्स की कीमत कितनी है? 10,000। समझ में आई बात? ये गुड्स जो यूपी वाले डीलर के पास आए हैं ये विद इन यूपी में बेच सकता है और इंटर स्टेट भी बेच सकता है? Yes, बोले हाँ या ना। मेरे एग्जांपल के लिए लाइट अभी विद इन द स्टेट बेच रहा है। कहाँ बेच रहा है? मतलब यूपी में बेच रहा है। तो 10,000 के गुड्स 10,000 में तो बेचेगा नहीं। Yes, भैया बाल बच्चे इसके भी है, कमाना खाना इसने भी है, तो 10,000 रुपए में इसने 2,000 रुपए अपने ऐड कर दिए। 2,000 रुपए अपने ऐड कर दिए, कितने हो गए सर? 12,000। कितने? 12,000। अब ये विद इन द स्टेट अगर बेच रहा है तो 9% का सीजीएसटी लगाएगा और 9% का एसजीएसटी। 9% का सीजीएसटी और 9% का एसजीएसटी। सर एक बार कैलकुलेशन बता देंगे, मेरे ख्याल से ये 1,080 आ रहा होगा और ये 1,080 आ रहा होगा, तो 14,160 ये बना सर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए सर। मैं यूपी वाला डीलर हूं, मेरे पास दो लोग आएंगे, मेरे पास दो लोग आएंगे, एक आएंगे मोदी जी और एक आएंगे जोगी जी। योगी है सर, सुनेगा तो मोदी जी आएंगे, समझ में आई आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी और एक योगी जी आएंगे, मतलब स्टेट गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि मैंने दो टैक्सेस चार्ज कर रखे। बोलिए हाँ या ना। और मैं कौन सा टैक्स पे करके आया हूँ? IGST। कौन सा टैक्स पे करके आया हूँ? IGST पे करके आया हूँ सर। अगर मैं पे करके आया हूँ ये, तो मैं क्रेडिट इसका किसके अगेंस्ट ले सकता हूँ? अगर मैं IGST पे करके आया हूँ तो सबसे पहले मैं उसका क्रेडिट IGST के अगेंस्ट ले सकता हूँ। किसके अगेंस्ट ले सकता हूँ? IGST। और उसके बाद सेकंड नंबर पे उसका क्रेडिट ले सकता हूँ CGST के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट ले सकता हूँ? CGST। और उसके बाद उसका क्रेडिट अगर फिर भी बच गया तो SGST के अगेंस्ट ले सकता हूँ। पल्ले पड़ी बात। इसका मतलब क्या? जब मैं यूपी में बैठा हूँ सर, सबसे पहले मोदी जी आए, मोदी जी ला भाई 1,080 रुपए निकाल। कितने रुपए निकाल? 1,080 रुपए। सर रुको, मैं ऑलरेडी 1,800 रुपए पे करके आया हूं, तो सर वो क्रेडिट ले लो, उठा लो। तो मतलब 1,080 रुपए जब मोदी सरकार मांगने आई मेरे पास, मैंने 1,800 रुपए दे रखे थे, वहां से उड़ा दिए। बोलो सर, 1,800 में से 1,080 गए, कितने बचे सर? 920 रुपए। कितने बचे? सॉरी मेरी गलती, 720 रुपए। अब आए कौन? योगी जी आए, 1,080 रुपए दे भाई। सर अभी भी मेरे पास कितने बचे हुए? 720 रुपए वहां के एडजस्ट हो गए, तो बाकी कितने बचे? 360। कितने बचे? 360। वो रुपए मैं कैश दे दूंगा। कैश सी बात है, अब थोड़ी ना मेरे पास कोई क्रेडिट बचा। देखो ना, मेरे पास अल्टीमेटली मेरे को क्या करना है? मैं एक बार बताओ, ये बंदा जो है ये डीलर है या कंज्यूमर है? डीलर। ये डीलर है या कंज्यूमर है? डीलर है। डीलर अपनी जेब से थोड़ी ना टैक्स देगा, कंज्यूमर से लेगा और दे देगा। अच्छा, मेरे से भी तो मांगा गया था पीछे, वो मेरे से जो मांगा गया था सर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इससे इजी को नहीं समझा सकता सर। वो जो मेरे से मांग लिया गया था ना, इट इज एडवांस टैक्स, वो एडवांस में टैक्स मांग लिया गया मेरे से, और जब मैंने कलेक्ट किया तो वो आंका ली एडजस्टमेंट ली। तो जो पीछे परचेजेस पे टैक्स पे करके आया, जब मैंने कलेक्ट किया तो उसका क्रेडिट मांग लिया। इट इज अ क्रेडिट मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि सर मैं केवल और केवल डीलर हूं, आई एम जस्ट अ डीलर, आई एम नॉट द कंज्यूमर। आई विल नॉट पे एनी टैक्स, आई विल चार्ज द टैक्स एंड पे टू द गवर्नमेंट। मैंने तो टैक्स चार्ज करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। मैंने टैक्स कितना चार्ज किया? बोले मैंने चार्ज किया है 2160 रुपए। कितना चार्ज किया है? और पे कितना किया है? 1800।
मैंने 2100 चार्ज किया, 1800 पहले ही पे कर दिया था, तो डिफरेंस कितना रह गया? 360 वही तो दिख रहा था। बोले हाँ या ना? यस सर। पल्ले पड़ती बात, चलो आगे या नहीं सर? अच्छा दूसरा एग्जांपल सर, अगर यूपी वाले ने आगे इसे राजस्थान वाले को भेज दिया होता तो 12,000 रुपए के गुड्स और उसके ऊपर 18% का IGST, हाँ या ना? कितना हो गया? 2160 रुपए। तो सामने वाले को बेचा 14,160 रुपए के गुड्स, पल्ले पड़ती है बात या नहीं? तो अगेन IGST, मैं कितना पे करके आया था सर? IGST का क्रेडिट IGST से ले सकते हो या नहीं? तो मैंने IGST चार्ज किया, हाँ या ना? IGST चार्ज किया तो कौन सी गवर्नमेंट आएगी मेरे पास? कौन सी गवर्नमेंट आएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे पास आई, भाई 2160 रुपए दे दे। मैंने कहा ठीक है सर, 1800 रुपए ऑलरेडी दे के आया हूँ, 360 रुपए ले जाओ। पल्ले बड़ी बात या नहीं? करेक्ट मैकेनिज्म क्लियर? अभी तो IGST का समझाया केवल, हाँ ना? यस सर। दूसरी बात बहुत ध्यान से सुने, पहला, दूसरा, मैं CGST पे करके आया, क्या पे करके आया हूँ? CGST तो वो CGST का क्रेडिट मैं CGST के अगेंस्ट ले सकता हूँ सबसे पहले, उसके बाद IGST के अगेंस्ट ले सकता हूँ और उसके बाद SGST के अगेंस्ट नहीं ले सकता। SGST के अगेंस्ट नहीं ले सकता, पल्ले पड़ती है बात? बोले हाँ या ना? यस सर। तो सर प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अब ये रहा मैं सर, जी सर, वो आ नहीं रहे सर। फर्स्ट केस एक बार कंपेयर करना वैट के साथ। वैट के साथ कंपेयर कर लीजिए मैम। बट सर बेनिफिट कहाँ हो रहा है? किसको बेनिफिट कहाँ हो रहा है मैम? अभी तो मैं बेनिफिट आपको समझाऊंगा, अभी तो आप बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग में देख रहे हैं।